दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं। यह विंध्य का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा अगर विंध्य से किसी को मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाता है। वैसे शिवराज सिंह चौहान की चलेगी तो वह सिर्फ एक ही व्यक्ति को विंध्य से पसंद करेंगे, रीवा से राजेंद्र शुक्ला को। राजेंद्र शुक्ला काफी संपन्न है, शांत रहते हैं, बहुत ज्यादा अंगुलीबाजी नहीं करते। राजेंद्र शुक्ला के लिए अगर एक बात कही जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने विंध्य नहीं सिर्फ रीवा के विकास के बारे में सोचा, इसलिए राजेंद्र शुक्ला को विंध्य का नेता नहीं बल्कि रीवा का नेता कहा जाना ज्यादा उचित होगा। वह शिवराज के साथ काफी समय तक मंत्री पद पर रह चुके हैं। 15 सालों की भाजपा या शिवराज सरकार में सपना को विकास के नाम पर एक साबुन के डिब्बे के आकार का फ्लाईओवर मिला, वह भी पूरा होने में शिवराज सरकार के इस कार्यकाल के 5 साल भी शायद पूरे ले लेगा। वैसे फ्लाईओवर का प्रयास सतना विधायक शंकर लाल तिवारी के खाते में जाता है, न कि राजेंद्र शुक्ला के। रीवा से गुड़ विधायक व पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह भी दावेदार हो सकते हैं जाति समीकरणों के आधार पर। ऐसे में सतना के नागौद के नागेंद्र सिंह भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी मंत्री पद का दावेदार माना जा सकता है। पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के भी दावे हो सकते हैं। मेरा मानना है ब्राह्मण वर्ग से 54 वर्षीय राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाने के स्थान पर 56 वर्षीय मैहर विधायक ब्राह्मण नारायण त्रिपाठी को एक चांस दिया जाना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला सुस्त अंदाज में चलते हैं तो नारायण त्रिपाठी उतने ही तेज तर्रार अंदाज के हैं। नारायण के मंत्री बनने से विकास को तीव्र गति मिलेगी। जाति समीकरणों में अगर ठाकुर वर्ग से मंत्री बनाना है तो 70 वर्षीय नागेंद्र सिंह गुड़ या 76 वर्षीय नागेंद्र सिंह नागौद से बेहतर दो नाम भाजपा के सामने और भी हैं। विकल्प के रूप में युवाओं के जोश भरे अंदाज को भी पार्टी को आजमाना चाहिए। राजनीति की 5वीं पीढ़ी के पायदान पर खड़े रामपुर बघेलान के 38 वर्षीय विधायक विक्रम सिंह विक्की को अवसर दिया जाए तो विंध्य के विकास की गति जोश से भरी हो सकती है। अगर रीवा से मंत्री बनाना है तो 33 वर्षीय दिवराज सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वह रीवा राजघराने से हैं, उनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं। अगर विंध्य मंत्रिमंडल से अछूता रहा तो यह मान लें कि विंध्य की जनता के साथ शिवराज ने छल किया है। लालीपॉप दिया जा सकता है, आगे मंत्री बनाएंगे, आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, विंध्य को स्थान मिलेगा, यह सब बातें बाद में कही जा सकती हैं। मगर मंत्रिमंडल विस्तार करने में काफी विवाद और विस्तृत समय लग जाता है। मैं रम्मू सिंह, मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।